आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.11। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया और ब्रेथ को रिड्यूस किया गया दो यूनिट्स, यानी कि लेंथ को बढ़ा दिया गया, ब्रेथ को कम कर दिया गया। जो एरिया है वो रिड्यूस हो गया कितने से, 28 स्क्वायर यूनिट से। रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आता है। यदि इफ हाउएवर मतलब यदि जो लेंथ है उसको रिड्यूस किया गया, कम किया गया एक यूनिट से, और जो ब्रेथ है इसको इंक्रीज किया गया दो यूनिट से, तो जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है 33 स्क्वायर यूनिट्स। आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से बनेगा कि आप पहले रेक्टेंगल बना लीजिए। आप मान लीजिए रेक्टेंगल ये होता है कि जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है, यानी कि दो साइड ये बराबर होंगे और ये साइड बराबर होंगे। तो ये अगर लेंथ है इसको हम x मान लेते हैं, ब्रेथ को हम y मान लेते हैं, तो ये भी x होगा ये भी y होगा। अब हम जैसे ही हम इसका एरिया निकालने के लिए चले तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू y। अब लेंथ को अगर इंक्रीज किया गया दो से तो हम x में दो जोड़ देते हैं, और ब्रेथ को रिड्यूस किया गया दो यूनिट से तो y में दो घटा देते हैं। अगर हम एरिया निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि किसके बराबर होगा, एक्स वाई के। लेकिन सवाल ये है कि जो एरिया है वो कम हो जाता है 28 से, तो एरिया कितना था एक्स वाई, इसमें आप 28 माइनस करेंगे तब इसके बराबर आएगा। जब ये दो बढ़ा देंगे दो घटा देंगे तो ये 28 कम हो जाएगा। पहली इक्वेशन ये हो गई, यानी ये आपका एक्स वाई, ये माइनस 2x, ये 2y और ये माइनस 4। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्स वाई माइनस 28। अब रीअरेंज करेंगे एक्स एक्स को एक साथ और वाई वाई को एक साथ, और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये होगी कि ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्स वाई वाला टर्म नहीं मिलेगा, जो लीनियर इक्वेशन वाला एक्स वाई और जो कांस्टेंट टर्म मिलेगा, तो 2x माइनस 2y माइनस 24, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी। पहली इक्वेशन आ गई, अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। फिर से हम यहाँ x लिखेंगे, फिर से यहाँ y लिखेंगे, फिर से यहाँ पर xy लिखेंगे। अभी क्या है, x इंटू वाई एक्स वाई है। लेकिन यदि इफ हाउएवर यदि लेंथ को रिड्यूस किया जाता है एक यूनिट से, तो लेंथ को आप एक से कम कर दीजिए और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाता है दो यूनिट से, यानी कि y को दो से बढ़ा दीजिए, तो जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है 33 यूनिट से, यानी कि एक्स वाई में 33 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो x माइनस वाई और y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई में 33 का जोड़ हो जाएगा। अब वही काम करिए, एक्स वाई ये 2x, ये माइनस वाई और ये माइनस 2, ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 33। एक्स वाई कैंसिल कर दीजिए, ये एक्स वाई है ये कैंसिल हो जाएगा। अब 2x माइनस वाई और यहाँ पर 33 को यहाँ लाएंगे तो माइनस 2 माइनस 33 आपको माइनस 35 हो जाएगा, यानी कि ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तरीका ले लीजिए या कोई और तरीका ले लीजिए। जैसे 2x माइनस 2y माइनस 24 है, इसको मैं नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या एक काम करते हैं इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो 2x माइनस 2x, ये प्लस और ये प्लस, 2x माइनस 2x हो जाएगा 0, और यहाँ पर 2, ये माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस y, और यहाँ पर आएगा आपका 35 माइनस 24। 35 माइनस 24 कितना होता है, 35 में से 24 घटाइएगा तो आपका 11 आएगा, यहाँ पर 11 होंगे ऐसे, 11 हो गया, इसको बराबर कर दीजिए 0 से, तो y आपका हो गया, ये प्लस में है, y आपका हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा माइनस 11 के बराबर, y हो जाएगा आपका 11, ये y 11 हो जाएगा। इस तरीके से y को इसमें रख दीजिए, इसमें या इसमें किसी में, तो x आ जाएगा आपका, जो कि आपका 23 आएगा। तो x आ गया आपका, लेंथ आ गया 23, ब्रेथ आ गया आपका 11। अब इन तीनों दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 इंटू 11, ये आपको देगा एरिया। 23 इंटू 11 होता है 253, ये आपका 253 है, ध्यान रखिएगा 253 को आप स्क्वायर यूनिट्स में लिखेंगे, क्योंकि लेंथ आपका एक यूनिट है। जैसे मान लीजिए आपने कहा मीटर, लेंथ मीटर में है और ब्रेथ आपका मीटर में है, तो लेंथ ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर मीटर भी मल्टीप्लाई होगा, ये मीटर स्क्वायर बनेगा, यानी कि स्क्वायर यूनिट में आएगा। एक एरिया है रेक्टेंगल का, वो सेम रहता है यदि लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए 7 मीटर से, ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया जाए 3 मीटर से। यानी कि अगर आपका ये रेक्टेंगल है और ये एक्स हमने लेंथ माना इसका, और आप कहते हैं कि भाई ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, लेंथ और ब्रेथ हमने मान लिया, अब x इंटू वाई क्या होगा, एरिया होगा, ये एरिया हो जाएगा। पहला ये है, इसमें जो कंडीशन दी है, ये एरिया बराबर रहेगा यदि लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए 7 से, तो x में 7 जोड़ दीजिए, और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया जाए 3 से, तो y में 3 घटा दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया जो है वो सेम रहेगा, यानी कि एक्स वाई ही रहेगा, यही आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन बनेगी, जो एरिया है रिमेन्स अनअफेक्टेड, यदि एरिया वही रहेगा एक्स वाई अनएफेक्टेड रहेगा, कोई प्लस माइनस नहीं होगा। यदि लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए 7 से, यानी कि एक्स में 7 घटा दिया जाए, और ब्रेड को
पाँच से बढ़ा दिया जाए, यानी कि वाई को पाँच से बढ़ा दिया जाए। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करना है हमें। तो पहली इक्वेशन ये बनी आपका, ये बनेगा एक्स वाई, ये बनेगा माइनस थ्री एक्स, ये बनेगा सेवन वाई माइनस ट्वेंटी वन। एक्स वाई हटा दीजिए, आपका माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन वाई माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो, पूरे को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थ्री एक्स माइनस सेवन वाई प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन जो है आपकी ये वाली बताई थी मैंने, तो आप ये एक्स वाई हो जाएगा, ये फाइव एक्स हो जाएगा, ये माइनस सेवन वाई हो जाएगा, ये माइनस सेवन सेवन फाइव से थर्टी फाइव। अब एक्स वाई कैंसिल, पूरे को आप यहाँ पर फाइव एक्स माइनस सेवन वाई को ले आइए, माइनस थर्टी फाइव, तो फाइव एक्स माइनस सेवन वाई माइनस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन बनी आपकी थ्री एक्स माइनस सेवन वाई प्लस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन बनी फाइव एक्स माइनस सेवन वाई माइनस थर्टी फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लीजिए, ये आपके सामने सोल्यूशन है। अगर चाहे तो आप, क्योंकि सेवन वाई दिख रहा है, तो बस इसको दोनों को माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो थ्री माइनस फाइव होता है आपका माइनस टू एक्स, और ये थर्टी फाइव और ट्वेंटी वन जुड़ के बनेगा आपका फिफ्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। तो माइनस टू एक्स हो जाएगा आपका माइनस फिफ्टी सिक्स, यानी कि माइनस माइनस हट जाएगा, टू से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, तो एक्स हो जाएगा आपका फिफ्टी सिक्स बाई टू होता है ट्वेंटी एट। एक्स आपका ट्वेंटी एट हो गया, इस किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए ना, या इसमें, तो आपका वाई आराम से आ जाएगा पंद्रह। तो अट्ठाईस और पंद्रह आ गया, अट्ठाईस और पंद्रह आपका लेंथ ब्रेड्थ है। तो इसमें एरिया निकालने के लिए नहीं कहा गया है, तो केवल डिमेंशन लिख देंगे, अट्ठाईस लिख देंगे और पंद्रह लिख देंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो लेंथ होगा अट्ठाईस मीटर और ब्रेड्थ होगा आपका पंद्रह मीटर। यदि जो रेक्टेंगल है उसमें लेंथ को इंक्रीज किया गया तीन मीटर से, तो मैं अभी डायरेक्ट कर देता हूँ आपको, दो क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे कि अगर एक्स इसकी लेंथ है, वाई ब्रेड्थ है, तो यदि लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए तीन से, तो एक्स में तीन जोड़ दीजिए, और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया चार से, तो वाई में चार घटा दीजिए। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज रिड्यूस्ड बाय 67। अब ये ट्राइंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल ही है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपका रेक्टेंगल ही है, तो रिड्यूस हो जाता है 67 से। तो एरिया क्या होगा इसका, एक्स इंटू वाई होगा, तो एक्स वाई रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई से आप 67 हटा दीजिए। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन में है, यदि लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए एक मीटर से, तो एक्स में एक घटा दीजिए, और फिर जो ब्रेड्थ है उसको चार जोड़ना है, तो वाई में चार जोड़ दीजिए, ये आपका आएगा एरिया इज इंक्रीज बाय 89। तो एक्स वाई में 89 जोड़ दीजिए, ये दो इक्वेशन आ गई, ये लीनियर इक्वेशन, इनको आपको सॉल्व करना है। तो पहली इक्वेशन ये बन गई आपकी, इसको ये बनेगा एक्स वाई, ये होगा माइनस फोर एक्स, ये होगा थ्री वाई, और ये आपका फोर थी ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व। एक्स वाई कैंसिल, अब आपको इसको रिजॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा फोर एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फिफ्टी फाइव आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन जो होगी इस तरीके से, पहली इक्वेशन तो ये हो गई आपकी, और दूसरी इक्वेशन जो मैंने आपको बताई इससे क्या बनेगा, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी फोर एक्स माइनस वाई माइनस नाइन्टी थ्री, ये इससे बनेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, या चाहे तो, क्योंकि ये फोर एक्स है माइनस थ्री वाई है माइनस फिफ्टी फाइव इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पर भी हमारे पास फोर एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, और ये प्लस कर दीजिए, ये होगा माइनस टू वाई, और यहाँ पर आपका आएगा, देखिए ये है आपका 93, और 93 में से आपको 55 हटाना है, तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 5 3, यानी कि ये हो जाएगा, इसको इधर ले जा रहा हूँ मैं, माइनस 38 कर रहा हूँ, ये कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, तो वाई आपका आ जाएगा 90, वाई 19 आएगा। इस इक्वेशन या इस इक्वेशन किसी में भी रख दीजिए, तो आपको एक्स मिलेगा 28। डिमेंशन हो गया 28 जो होगा लेंथ हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, 19 आपका ब्रेड्थ हो जाएगा इस रेक्टेंगल का। जो इनकम है एक्स और वाई की, वो रेशियो है 8 और 7, यानी कि एक की अगर रेशियो, एक्स की रेशियो, एक्स की इनकम है 8x, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और वाई की हो जाएगी 7x। देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 19 और 16, यानी कि अगर मैंने कहा एक्सपेंडिचर है, तो एक का एक्सपेंडिचर 19y है, तो दूसरा वो हो जाएगा 16y। इफ ईच सेव्स रुपीज 1250, फाइंड देयर इनकम्स। सेव करते हैं, दोनों के दोनों सेव कर रहे हैं आपके 1250, तो उनका इनकम क्या होगा, तो इनकम कैसे बनेगा, देखिए इनकम जो मतलब फाइंड देयर इनकम्स, जो इनकम है इसकी रेशियो ये है, और एक्सपेंडिचर इतना है, और सेव कैसे करते हैं, अगर इनकम जो हो रही है उससे एक्सपेंडिचर हटा दिया जाए तो सेविंग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले की इनकम को एक्स को 8x मानते हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो दूसरे की होगी 7x। अब इन्होंने कहा है कि 8x और 7x इसकी हो गई, यहाँ लिख देते हैं। दूसरा जैसे मैंने बताया, अगर ये 19y है, अगर इनकी 19y है, मतलब y हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, बेसिकली ये क्या है कि जैसे इसको मैं कहूँ x बाय वाई इक्वल टू 8 बाय 7, ये कहा गया इस तरीके से है, तो यहाँ पर
एक रेशियो बताया गया है, तो अगर इसकी 19y है तो इसकी 16y होगी। अब क्या क्या करना है कि इनकी इनकम लेनी है और इनका एक्सपेंडिचर पहले वाले का, एक्स का, तो इन दोनों को अगर घटाएंगे, 8x और 19y को घटाएंगे तो 1250 आएगा, 8x और 19y को घटाए तो 1250 आएगा। अब जो 7x है ये इनकी इनकम है दूसरे साहब की वाई की, और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो है 16y। अब 7x से 16y को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 1250, यानी कि इस पे 19y घटाएंगे और इसमें 16y घटाएंगे तो आपका आएगा 1250। तो ये आपकी दो इक्वेशन बन गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए या जो भी तरीका आप अपनाना चाहें सॉल्व कर लीजिए। एक्स और वाई आपका, एक्स आपका 750 आ रहा है, वाई आपका एक वैल्यू आएगी जिसे हम फाइनली क्या करेंगे, एक 750 है। और जब हमारे पास एक्स आ गया तो हमको इनकम निकालनी है, तो हमको इसमें मेन बात यह है कि आपको वाई निकालने की आवश्यकता नहीं, क्यों, क्योंकि इन्होंने इनकम पूछी हुई है। वाई निकालने की आवश्यकता तब पड़ती, वाई तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकता, देखिए वाई को अगर मैं निकालना चाहूँ तो वाई क्या होगा, 1250/5, 5 2 10 और यहाँ पर 5 5 25, 250 आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमें केवल इनकम निकालनी है, और इनकम हमने क्या मानी थी, इनकी 8x है तो इनकी 7x है, तो हमें x मिला है 750, तो 750 को हम पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे x की इनकम आएगी जो कि 6000 आ रही है, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 750 से तो हमारी इनकम आएगी दूसरे साहब की जो कि 5250 आएगी। ए और बी दोनों के पास कुछ पैसा है, यदि ए 30 रुपये दे देता है बी को तो बी के पास ट्वाइस हो जाएगा, जो ए के पास मनी है ना उससे ट्वाइस हो जाएगा इसके पास। लेकिन यदि बी देता है 10 रुपये ए को तो ए के पास 3 times हो जाएगा जो बी के पास बचा हुआ है। हाउ मच मनी डज ईच हैव, दोनों के पास कितना पैसा है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक ए है और ये बी है, तो जब ये इनको कुछ पैसा देंगे, मान लीजिए ये 30 रुपये, ए जो है 30 रुपये देते हैं, जैसे ये 30 रुपये देंगे तो इनका 30 रुपये घट जाएगा और इनके पास 30 रुपये बढ़ जाएगा। इस तरीके से हम इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे, बाकी ट्वाइस और थ्राइस तो हम करेंगे ही करेंगे। तो पहला समझिए कि हम क्या करेंगे कि जो ए के पास मनी है उसको हम लेंगे एक्स, और जो बी के पास मनी है उसको हम लेंगे वाई। ओके, तो पहले सिनेरियो में क्या हुआ कि जैसे ही वाई के ए एक्स ने वाई को दिया 30 रुपये, तो वाई के पास 30 बढ़ गए और एक्स के पास 30 कम हो गए। लेकिन जैसे ही ये काम हुआ, पहली कंडीशन जब आई, तब जो वाई के, मतलब ये वाली वाई के वाले पास जो पैसा है वो एक्स के ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। यानी अगर ये 30 रुपये दे देते हैं बी को, तो बी के पास जो ये बी साहब है, ये जो बी है, इनके पास एक्स के पास जो बचा है, एक्स के पास कितना बचा है, एक्स माइनस 30 हो जाएगा इनके पास, तो जितना बचा है उसका ट्वाइस इनके पास पैसा होगा। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ये होगा कि 10 रुपये का आदान प्रदान हो रहा है, तो एक्स में पहले, तो पहले वाई जो है अब ये 10 रुपये दे रहे हैं और एक्स के पास 10 रुपये आ रहा है, तो 10 हम यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ से कम हो गया। लेकिन जब ये काम होगा तो जो इनके पास पैसा है ए के पास, वो कितना हो जाएगा, जब इन्होंने 10 रुपये दिया तो वाई के तिहाई, मतलब तिहाई यानी कि 3 times, तिगुना कहेंगे इसको, तिहाई नहीं तिगुना कहेंगे, तिगुना हो जाएगा इनसे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए ये आपका 2x है, ये माइनस 60 है, वाई प्लस 30 इक्वल टू 2x माइनस 60, 30 को इधर ले आइए, वाई को भी इधर ले आइए, तो 2x माइनस वाई 60 माइनस माइनस 60 और माइनस 30 माइनस 90 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन ये होगी, दूसरी इक्वेशन ये वाली हम ले रहे हैं, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 3y हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर है, इस 3y को यहाँ ले आइएगा, माइनस 3y हो जाएगा 10, और ये माइनस 30 को यहाँ लाएंगे तो प्लस 30, यानी कि 10 प्लस 30 40 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 3y इक्वल टू 40, और उसके बाद आपकी दूसरी इक्वेशन बनी 2x माइनस y इक्वल टू 90, x माइनस 3y आप चाहें तो इसको प्लस भी कर सकते, प्लस 40 इक्वल टू 0 कर दीजिए और इसको माइनस 90 इक्वल टू 0 कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब क्या कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस पे जोड़ दीजिए, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये वाली, तो 2x ये वाली हो गई 2x, और हमने 3 से 2 से मल्टीप्लाई कर किया तो 6y हो गया, और आपका अब आपके पास 40 है, तो 40 इंटू 2 कितना होगा, 40 इंटू 2 80, तो 2x माइनस 6y प्लस 80 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, आपके पास ये इक्वेशन थी 2x माइनस 5 माइनस 90, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 6 माइनस 1 हो जाएगा 5 5y, और ये हो जाएगा माइनस 90 और 80 को आपको जोड़ना है, 90 और 80 को, तो 8 और 8 8 16 170 हो जाएगा ये, तो y कितना हो जाएगा 170
बाय 5, यानी दोनों साइड को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका y निकल के आएगा, वो 34 आ जाएगा। 3 5 15, और 3 5 3 15, 3 4 5 4 20, तो y 34 आ गया। इसी तरीके से y को इस इक्वेशन या किसी भी इस इक्वेशन में रख दीजिए दोनों को, ये दोनों हमने बताया, तो x आपका आ जाएगा 62। तो x 62 का मतलब है कि जो a है उनके पास 62 रुपये थे, और जो y है यानी कि b के पास 34 रुपये थे। दो आदमी है और सात लड़के हैं, ये काम कर सकते हैं जो काम है 4 दिन में। जो सेम काम है वो 3 दिन में, काम 3 दिन में कर सकते हैं 4 आदमी और 4 बॉय। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 मैन एंड 1 बॉय टू डू इट? यानी जब जब ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, 2 आदमी और 4 7 लड़के, तब 4 दिन में कर पा रहे हैं। और अगर हम 4 आदमी लें और 4 लड़के लें तो 3 दिन में कर पा रहे हैं। आपको बताना है कि एक आदमी और एक बॉय को अगर लगा दिया जाए तो कितने दिन में किया जाएगा। तो इसमें ऐसा करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि जो आदमी है यानी कि मैन है वो फिनिश करता है काम को एक्स दिन में, और जो बॉय है वो फिनिश करता है इस काम को, जिसे बॉय मैंने लिख दिया वाई में, राइट। तो अब अगर एक आदमी एक्स में काम कर रहा है, एक आदमी को एक्स डेज लग रहे हैं, और जो बी है ये हमने बॉयज लिया, तो एक लड़के को वाई डेज लग रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा? ये एक्स डे का काम है, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1 बाय एक्स। एक दिन का काम कितना होगा? 1 बाय वाई। ये तो क्लियर हो गया कि हमने कहा एक्स दिन में ये पूरा काम कर ले रहे हैं, पूरा काम। तो एक दिन में कितना करेंगे? जो काम होगा डिवाइडेड बाय 1 बाय एक्स, यानी कि 1 बाय एक्स ये इनका एक दिन का काम होगा। इसी तरीके से 1 बाय वाई जो है एक बॉय का काम होगा। तो 2 आदमी कितने दिन में करेंगे? क्योंकि यहां पहले हमने कहा 2 आदमी है, 2 आदमी करेंगे 2 बाय एक्स में, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 7 बॉय कितने में करेंगे? क्योंकि इस पहले केस में 7 बॉय है, 7 into 1 plus 7 into 1 by y। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आपको पता लग रहा है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 4 दिन में काम कर लेंगे। तो इनका 2 आदमी और 7 बॉय ये काम कर रहे हैं। दो दो आदमियों का एक दिन का काम इतना हुआ, 2 दिनों, एक आदमी का एक दिन का काम है 1 बाय एक्स, 2 आदमियों का एक दिन का काम है 2 into 1 by x, एक लड़के का काम है 1 बाय वाई, 7 लड़कों का काम है एक दिन का, 7 बॉयज एक दिन का काम 7 बाय वाई। तो आप करेंगे 2 बाय एक्स प्लस 7 बाय वाई, ये इनका एक दिन का काम हो गया, राइट। तो अगर आप इसको एक दिन माने, क्योंकि ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम है, तो आप कहेंगे कि ये 4 दिन में कर रहे हैं, ये इनके एक दिन का काम है। दोनों को हमने जोड़ दिया कि एक दिन का काम कितना होगा, और 4 से जोड़ेंगे यानी 4 दिन का काम हो गया। ये किसके बराबर हो गया? आपका 1, क्योंकि कुल मिला के तो एक ही दिन का ले रहे हैं। दूसरे वाले केस में क्या होगा कि ये सेम काम जो है 3 डेज में होता है, 3 दिन का आप बता रहे हैं, तो यही काम करेंगे। 4 मैन है तो 4, एक आदमी का काम है एक दिन का 1 बाय एक्स, 4 बॉय 4, एक लड़के का काम है 1 बाय वाई। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 4x प्लस 4 बाय हो गया एक दिन का काम, 4 लड़के और 4 आदमियों का। और ये लगाते हैं 4, ये लगाते हैं 3 दिन, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा? एक का, एक एक दिन का काम का हम बात कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन बनेगी 8 बाय एक्स प्लस 28 बाय वाई इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन बनेगी 12 बाय एक्स प्लस 12 बाय वाई इक्वल टू 1। अब 1 बाय एक्स को पहले तो आप इसको 1 बाय एक्स को आप यू ले लीजिए, 1 बाय वाई को वी ले लीजिए, तो 8u + 28v = 1 आएगा, 12u + 12v = 1 आएगा। अब इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लीजिए या किसी भी तरीके से कर लीजिए। यू आपका आएगा 1 से 15, और अगर यू एक्स एक बड़े 15 है तो 1 बाय एक्स होता ही, तो एक्स हो जाएगा 15। ऐसे वी जो है आपका 1 बाय 60 आया, तो वाई कितना हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, वाई आपका 60। तो एक आदमी अगर काम करेगा तो 15 दिन में, और एक बॉय केवल काम करेगा, तो लड़का काम करेगा, तो 60 दिन लगेंगे। एक ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल एबीसी, अब इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। ये जो एबीसी ट्रायंगल है इसमें ए आपको दिया हुआ है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए एंगल आपको दिया हुआ है एक्स डिग्री, ये एक्स डिग्री है, और बी दिया हुआ है ये 3x - 2, 2 डिग्री, और सी जो है आपका वाई है, और जो सी माइनस बी है वो आपको 9 दिया हुआ है। फाइंड द 3 एंगल्स। तो
पहली चीज क्या होगी, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी कि x प्लस 3x माइनस 2 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल होता है उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो पहली इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो होगी x डिग्री प्लस 3x माइनस 2 डिग्री प्लस 7, आपका ये जो तीसरी वाली, तीसरी बात कही, ये जो अभी मैं अभी इसको लेके आऊंगा y, ये y मान के चलिए y इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो आपको कहा है c एंगल और b एंगल का सब्ट्रैक्शन है 9 डिग्री, c एंगल क्या है इसमें y डिग्री y, और b एंगल कितना है आपका 3x माइनस 2, ये आपको 9 दिया हुआ है, तो y माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 9। कहने का मतलब ये है कि अगर y को आप लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3x को यहाँ ले जाते हैं, माइनस 2 को भी ले जाते हैं, 3x माइनस 2 माइनस प्लस 9 तो हो जाएगा 3x प्लस 7। तो ये जो y आया है ना, ये वाला, उसको हम यहाँ रखेंगे। जो मैंने आपसे बताया था कि ये जो x 3x माइनस 2 और y, इस y की जगह हम 3x प्लस 7 रखेंगे। जब हम इसको रखेंगे तो हम देखेंगे कि 7, ये जो x x और x वाला टर्म हम जोड़ देंगे और उसके बाद 7x हो जाएगा, और 7 और माइनस 2 आपका हो जाएगा 5, 5 को चले जाएगी 175, 7x हो जाएगा 175, x हो जाएगा 175 बाय 7 जो कि 25 होता है। तो x आपका 25 आ गया, तो यानी कि एंगल ए है, तो एंगल बी निकालना है तो आपका 3x माइनस 2 ना, 3 इंटू 25 माइनस 2 यानी कि 75 माइनस 2 यानी 73, और c एंगल क्या है, c तो हम निकाल चुके हैं, 7 प्लस 3x, 3x प्लस 7 कर दीजिए, यानी 3 इंटू 25 प्लस 7, ये आपका आएगा 82। ये तीन एंगल हो गए, ए हो गया 25, बी हो गया 73, सी हो गया 82। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चार आपको एंगल दिए हुए, इस तरीके से आपको चार एंगल निकालने हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है, अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना दें, क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं, ये ए मान लें, ये बी मान लें, ये सी मान लें, ये डी मान लें। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये होता है कि जो अपोजिट एंगल होंगे इसके 180 डिग्री के बराबर होंगे, यानी एंगल ए और एंगल सी को अगर आप जोड़ दें तो 180 डिग्री के बराबर होंगे, यानी कि ए प्लस सी हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ऐसे एंगल डी और बी जो है दोनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री के बराबर होगा, तो बी और डी आपका 180 के बराबर होगा। तो हम ए और सी को 180 डिग्री लेंगे, ए हमको दिया है 2x प्लस 4 और सी दिया है 2y प्लस 10, तो 2x प्लस 4 और 2y प्लस 10 को हम जोड़ेंगे 180 के बराबर, ये क्वेश्चन आ गई आपकी 2x प्लस 2y इक्वल टू 166। अगले में आएंगे बी और डी को जोड़ेंगे, यानी वाई प्लस 3 और 4x माइनस 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, बी और डी को आपको जोड़ना है, तो वाई प्लस 3 और 4x माइनस 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो आपकी दूसरी इक्वेशन ये बन गई, 4x प्लस y इक्वल टू 182, ये आपका आ गया। अब इसको चाहे तो ये देखिए 4x प्लस y इक्वल टू 182 हो गया, इस पूरी इक्वेशन को चाहे तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा x प्लस y इक्वल टू 2 8 16 3, ऐसे आ जाएगा। अब चाहे तो इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से, तो ये आपका माइनस 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 4, ये 3x हो जाएगा, ये आपका 182 माइनस 83 यानी कि 99 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 99 बाय 3 यानी कि 33, x 33 आ गया। अब x को किसी में भी रख दीजिए, ये वाली इक्वेशन में या ये वाली इक्वेशन में, y आपका आ जाएगा 50। तो अब आपको सारे एंगल निकालने हैं, तो 2x प्लस 4 कर लीजिए, आपका 2 इंटू एक्स प्लस 4 यानी 2 इंटू एक्स कितना है 33 प्लस 4, ये 70 आएगा। b कितना आ रहा है y प्लस 3 यानी कि 50 प्लस 3 यानी कि 53। c आपका है 2y प्लस 10, 2 इंटू वाई यानी कि 2 इंटू 50 प्लस 10 यानी कि 110। और d कितना आएगा, d आपका दिया हुआ है 4x माइनस 5, तो x कितना आया हमारा 33, 4 इंटू 33 माइनस 5 यानी कि 127 डिग्री, ये आपके चार एंगल आएंगे। बस इस सवाल में ये था कि आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट साइड होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ये मेन चीज है, बाकी लीनियर इक्वेशन बन के सॉल्व करना ये तो आपका आता है। एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी और ए और बी और सी एंगल दिए हुए हैं आपको, और एक और इक्वेशन दी है 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। आपको बताना है कि ट्रायंगल जो है राइट एंगल है, ट्रायंगल राइट एंगल का मतलब ये होता है कि एक ना एक एंगल इसमें 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे अभी फिलहाल मान के चलते हैं कि ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। अब तीनों एंगल ये x है, ये 3x है, ये y है, तो आप जानते हैं कि x प्लस 3x प्लस y यानी कि सम ऑफ एंगल, जो एंगल का जोड़ होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में या किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री के बराबर होता है। एक तो इक्वेशन ये मिल गई आपको, और दूसरी इक्वेशन क्या, ये आपकी 4x प्लस, ये इक्वेशन मिल गई आपको,
दूसरी क्वेश्चन क्या है, 3y-5x, तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, दो ही क्वेश्चन होगी, एक तो आपका x प्लस 3y+y की 4x+y = 180 डिग्री, एक ये हो गई, दूसरी आपकी हो गई 3y-5x = 30। आप ये कर सकते हैं कि जो पहली इक्वेशन है इसको, ये वाली पहली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप ऐसे नंबर से ताकि हमको कुछ मिल जाए। तो पहली वाली इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अगर आप चाहें तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको यहाँ पर 3y मिल जाएगा, या ये कहें कि 4 3 12 और 3y, और इस तरीके से बना देंगे। मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ, एक एक करके हम कर लेते हैं, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहें। जैसे 4x+y = 180 डिग्री हो गया ना, और ये आपका 3, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ -5x करता हूँ और यहाँ पर 3y करते हैं = 30। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से, क्यों इसको, क्यों हम 3y 3y ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 5 और 4 से इसको मल्टीप्लाई करना लगे तो हमको डबल मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर 4 3 12, ये आपका 12x हो गया, और ये आपका हो गया 3y = क्योंकि 4x+3y, और 3 × 180 आपका हो गया 540। ये आपका कितना है, -5x+3y = 30। अब क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा -5 और -12 -17, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 540 और 30, इसमें से ये -540 और 30 को जोड़ेंगे तो -510 आएगा। एक्स कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हटा देता हूँ, 510/17, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, एक्स 30 डिग्री हो गया। अब इस वाली इक्वेशन में डाल दीजिए, 4 × 30+y = 180 डिग्री, वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 को इधर ले जाएंगे तो 180 - 120 = 60, तो एक्स ये हो गया, वाई हो गया। अब आप आराम से एंगल निकाल सकते हैं, आपका एक एक आपका 30 आ रहा है, एक 60 आ रहा है, तो ये एक्स हो गया 30 और वाई हो गया 60, लेकिन बी क्या है, 3x, तो एक्स है हमारा 30, तो 3 × 30 क्या होता है, 90, तो ये आपका एंगल बी जो है 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ये कि एक एंगल आपका जो कि बी एंगल है वो 90, मतलब ये एंगल है आपका 90 डिग्री, तो ये बी होना चाहिए, ये ए होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, ऐसे ये एंगल आपका 90 डिग्री है, हेंस प्रूव्ड कि हमने एक एंगल 90 डिग्री बता दिया। तो ये सवाल जवाब हुए, लीनियर इक्वेशंस है इसमें, लेकिन रेक्टेंगल वगैरह सब हमने लिया इसमें, और ट्राइंगल बेस्ड इक्वेशन भी लिए। अभी एक पार्ट और इसका देखेंगे, तब तक शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।